10.9 क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पिछले क्रियाकलाप की भांति हम एक कांच की मोटी सिल्ली लेते हैं तथा लेजर लाइट की प्रकाश किरण का उपयोग करते हुए प्रकाश के अपवर्तन तथा अन्य घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जब कांच की सिल्ली से प्रकाश किरण वायु में आती है, तब प्रकाश किरण का अपवर्तन सघन से विरल माध्यम में होता है। हम अपने क्रियाकलाप में सर्वप्रथम लेजर प्रकाश किरण को अभिलंब से 0° का कोण बनाते हुए कांच की सिल्ली में गमन कराते हैं। इसके पश्चात इन बिंदुओं का अवलोकन करते हैं। क्या आप अपवर्तित किरण को देख सकते हैं? क्या कांच से वायु में जाने पर प्रकाश किरण के मार्ग में विचलन हो रहा है? आप शायद देख सकते हैं कि इस स्थिति में विचलन नहीं होता है। इस क्रियाकलाप को हम विभिन्न आपतन कोण 5° 10° 15° आदि पर दोहराते हैं तथा अपवर्तन कोण का अवलोकन करते हैं। आपतन कोण के किसी एक मान के लिए निर्गत अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ को छूती हुई निकलती है। यही कोण उस पदार्थ का क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। जब प्रकाश सघन माध्यम जैसे कांच से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करता है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। इस स्थिति में अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण I से बड़ा होता है, यानी कि कोण R बड़ा है कोण I से। अब यदि आपतन कोण I का मान बढ़ाया जाए, तो अपवर्तन कोण R का मान भी बढ़ता जाता है। किंतु आपतन कोण के एक विशेष मान पर एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान कोण R बराबर 90° हो जाता है। इस दशा में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकलती है। इस विशेष स्थिति को क्रांतिक स्थिति कहते हैं तथा इस स्थिति में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे IC या थीटा से व्यक्त करते हैं। अतः क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90° के बराबर होता है। 10.9.1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यदि उक्त प्रकरण में सघन माध्यम कांच में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण IC या थीटा से अधिक हो जाए, यानी कि I बड़ा हो IC, तो अपवर्तन कोण का मान 90° से अधिक हो जाएगा। तब प्रकाश विरल माध्यम में वायु में न जाकर सघन माध्यम में कांच में ही नए मार्ग पर जाएगा। स्पष्ट है कि यह स्थिति अपवर्तन की नहीं परावर्तन की है। अर्थात जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तथा उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो प्रकाश उसी माध्यम में आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जरूरी है कि पहला, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, दूसरा, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। 10.9.2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। पहला, पानी से भरे बीकर में एक खाली परख नली को तिरछा डुबाकर उसे ऊपर से देखने पर उसका ऊपरी भाग इस प्रकार चमकदार दिखाई देता है जैसे कलई कर दी गई हो। इसका कारण यह है कि प्रकाश की किरणें पानी से चलकर परख नली पर आपतित होती हैं। परख नली के अंदर वायु है, अतः प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। इनमें से कुछ किरणें ऐसी होती हैं जिनका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, अतः ये किरणें पूर्ण परावर्तित होकर आँख में पहुँचती है, जिससे परख नली का वह भाग चांदी के समान चमकदार दिखाई देता है। यदि परख नली में पानी भर दे तो चमक समाप्त हो जाएगी। यह घटना बुलबुलों पर देखने का प्रयास करें। दूसरा, मृग तृष्णा या मरीचिका। रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में मनुष्य को दूरी पर स्थित खजूर का वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे मनुष्य समझता है उस वृक्ष के पास जल है।
परंतु प्यासे लोग जब पेड़ के पास जाते हैं तो उसे वहां जल नहीं मिलता। यह मनुष्य की आंख का धोखा होता है, जिसे मृग तृष्णा या मरीचिका कहते हैं। गर्मी के दिनों में ऊपर की वायु ठंडी होने के कारण सघन तथा भूमि को स्पर्श करने वाली वायु गर्म होने के कारण विरल होती है। अतः पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे हवा ऊपर उठती जाती है वह सघन होती जाती है। वृक्ष के ऊपरी भाग से चलने वाली प्रकाश किरणों को भूमि तक पहुंचने के लिए सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करना पड़ता है। भिन्न भिन्न घनत्व की हवा की परतें समानांतर रेखाओं द्वारा दिखाई गई हैं। जैसे जैसे प्रकाश की किरणें आगे बढ़ती हैं, आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है और किरण का उसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसी प्रकार कंक्रीट की पक्की सड़कों पर भी आपने मरीचिका बनते देखा होगा। आपस में चर्चा कीजिए कि यह कैसे होता होगा।